हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवध ग्लो ऑनलाइन एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं नोटपैड प्रोग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे नोटपैड प्रोग्राम होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले नोटपैड प्रोग्राम हमारे विंडोज़ के साथ ही हमारे पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल होता है। नोटपैड एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग मैटर को लिखने, मिटाने अथवा चेंज करने में किया जाता है। इसका इंस्ट्रक्शन नेम .txt होता है। इसका विशेष प्रकार से प्रयोग HTML प्रोग्राम की कोडिंग को तैयार करने में किया जाता है। समझेंगे कि नोटपैड प्रोग्राम को अपने पीसी या फिर लैपटॉप में किस तरह से ओपन करें। नोटपैड प्रोग्राम को ओपन करने के लिए हम आपको दो तरीके बताएंगे। पहला तरीका है, अपने विंडोज़ के स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप कर लेंगे नोटपैड। यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट नोटपैड पर आ जाएंगे। उसके बाद तो हमारा दूसरा तरीका है स्टार्ट रन के द्वारा। स्टार्ट रन का शॉर्टकट होता है विंडो प्लस आर। उसके बाद यहाँ पे हम भी टाइप कर लेंगे वैसे नोटपैड। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, उसके बाद अपने नोटपैड प्रोग्राम पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, नोटपैड प्रोग्राम के आने के बाद आज हम सबसे पहले बताएंगे नोटपैड प्रोग्राम के सभी विंडो के बारे में तथा उसके कमांड के बारे में और उसका कमांड का क्या क्या कार्य होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, नोटपैड प्रोग्राम का हमारा सबसे पहला विंडो आता है टाइटल बार। तो दोस्तों, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है इसको कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार से हमको पता चलता है कि हम किस फाइल अथवा किस प्रोग्राम पे हैं। जैसा कि मेरे फाइल का नाम है अवध ग्लो और प्रोग्राम नोटपैड है, तो टाइटल बार से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है हम किस फाइल अथवा किस प्रोग्राम पर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा मेन्यू बार, जो कि टाइटल बार के जस्ट नीचे है। तो दोस्तों, आप कह सकते हैं मेन्यू बार के अंदर आने वाले ये सभी कमांड जिसके द्वारा हम अपने नोटपैड प्रोग्राम में कुछ भी करते हैं, इन्हीं के द्वारा करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है टेक्स्ट बार। टेक्स्ट बार के स्थान पे हम अपने मैटर को लिखते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आता है स्क्रॉल बार। जैसा कि मेरा जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। स्क्रॉल बार का यूज हम अपने पेज को अप या डाउन करने के लिए करते हैं। जैसा कि लिखते लिखते मेरा मैटर स्क्रीन के नीचे चला गया, तो इसको देखने के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा ऊपर हो जाएगा पेज, इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएगा या मैं इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार से हमको पता चलता है कि हमारा कर्सर किस लाइन अथवा किस रो में है। जैसा कि अब हमारा कर्सर अभी 7th लाइन और 204 कॉलम में है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कर्सर लेके जाके रख देता हूँ, मेरा लाइन 1 और कॉलम 1 हो गया। इसके बाद आता है मिनिमाइज। तो दोस्तों, ये हमारा मिनिमाइज बटन है। इसके बाद मैक्सिमाइज। मिनिमाइज करने से हमारा जो भी प्रोग्राम रहेगा वो हमारे टास्क बार में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम अपने मैक्सिमाइज से फुल स्क्रीन पे कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा क्लोज बटन। इस बटन से हम प्रेस करके अपना जो भी फाइल रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, उसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो अभी हमें क्लोज नहीं करना है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझेंगे मेन्यू बार के अंदर आने वाले सभी मेन्यू तथा उसके अंदर आने वाले सभी कमांड्स और उसके कार्यों के बारे में। तो दोस्तों, मेन्यू बार के अंदर आने वाला सबसे पहला मेन्यू होता है हमारा फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू का शॉर्टकट Alt+F होता है। फाइल मेन्यू को ओपन करेंगे तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला आने वाला कमांड न्यू होता है, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N है। इस कमांड के द्वारा
हम एक नया ब्लैंक फाइल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है न्यू, के बाद आता है हमारा न्यू विंडो। इसको न्यू विंडो करने से न्यू विंडो आ जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आने वाला कमांड हमारा है ओपन। इस कमांड के द्वारा हम अपने सेव किए गए फाइल को ओपन करते हैं। तो जैसा मैंने अपना फाइल सेव किया गया है अवध के नाम से, इसको हम ओपन कर लेंगे। ये हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। इसके बाद आने वाला कमांड हमारा है सेव। इस कमांड के द्वारा हम अपने फाइल को किसी भी नाम से तथा किसी भी लोकेशन पर सेव करते हैं। सेव का डिफ़ॉल्ट लोकेशन डॉक्यूमेंट्स होता है। अगर हम कोई भी लोकेशन चूज ना करें, फिर भी यह डॉक्यूमेंट्स में जाके सेव होगा। तो दोस्तों, इसके बाद आने वाला कमांड सेव एज। इस कमांड के द्वारा हम वह हमारा वही फाइल किसी दूसरे नाम से तथा किसी दूसरे स्थान पे कई बार सेव कर सकते हैं। इसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंतर्गत हमको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लेटर है, A3, A4, A5, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा प्रिंट, जो हमको प्रिंट करना नहीं है, इसी वजह से हम आपको दिखा देते हैं हमारा ऐसा कुछ होता है। इसके बाद आता है एग्जिट। एग्जिट करने से हम अपने प्रोग्राम से एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा एडिट मेन्यू। तो हम इसके बारे में समझेंगे, इसके अंदर आने वाले सभी कमांड तथा उनके कार्यों के बारे में समझेंगे। तो चलिए हम एडिट मेन्यू को ओपन करते हैं। तो एडिट मेन्यू में सबसे पहला कमांड आता है अंडो। इस कमांड के द्वारा हम एक स्टेप बैक जाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे कोई भी वर्ड टाइप किया, उसके हम अंडो करेंगे। अंडो का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। हम यहाँ पे अंडो करेंगे, हमारा जो भी लिखे थे वो बैक हो गया है। इसके बाद आता है कट। दोस्तों, इस कमांड के द्वारा हम सिलेक्ट किए गए मैटर को कट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसको प्रोफेशनली को सिलेक्ट किया, उसके बाद एडिट मेन्यू को ओपन करेंगे, इसको कट करेंगे। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+X। इसको हम करेंगे, ये हमारा कट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद आता है कॉपी। कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C। इस कमांड से हम सिलेक्ट किए गए मैटर को कॉपी करते हैं। जैसा कि मैंने अभी इसे सिलेक्ट किया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये हमारा कॉपी हो गया। तो दोस्तों, इसके बाद आता है पेस्ट। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+B। जैसा कि मैंने अभी इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद कॉपी का शॉर्टकट Ctrl+C होता है। इसके बाद यहाँ पे हम इसको ले आके पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, ये हमारा यहाँ पे पेस्ट हो गया है। तो दोस्तों, इसके बाद फाइंड का शॉर्टकट होता है Ctrl+F। इस कमांड के द्वारा हम अपने लिखे गए मैटर में कोई भी वर्ड को फाइंड करते हैं। इसके बाद आता है फाइंड नेस्ट। इसका शॉर्टकट होता है F3। इसके बाद हमको मिलता है फाइंड प्रीवियस। इसका शॉर्टकट Shift+F3। इसके बाद रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। इस कमांड के द्वारा हम अपने लिखे गए मैटर में किसी भी वर्ड के जगह पे कोई दूसरा वर्ड को रिप्लेस करते हैं। तो इसके बाद आता है Go-To। Go-To का शॉर्टकट होता है Ctrl+G। इस कमांड के द्वारा हम अपने कर्सर को किसी भी लाइन पे ले जा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट ऑल। इसका शॉर्टकट Ctrl+A। सेलेक्ट ऑल इस कमांड के द्वारा हम अपने पेज पे लिखे गए सभी मैटर को एक ही बार में शॉर्टकट की द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट होता है Ctrl+A। इसको करेंगे, ये हमारा सभी सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है टाइम एंड डेट, जिसका शॉर्टकट होता है F5। अगर हम यहाँ पे अपना कर्सर रख के इसको हम करेंगे टाइम एंड डेट को, तो यहाँ पे हमारा टाइम और डेट दोनों
एक ही साथ आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू। तो चलिए फॉर्मेट मेन्यू के बारे में समझते हैं। फॉर्मेट मेन्यू में सबसे पहला कमांड आता है वर्ड रैप, जो कि अभी टिक है। तो दोस्तों वर्ड रैप, इस कमांड के द्वारा वर्ड रैप को एक्टिव तथा डीएक्टिव करते हैं। जैसा कि अभी हमारा वर्ड रैप एक्टिव है, इसको हम डीएक्टिव करेंगे तो हमारा इस तरह में आएगा, जो कि हमारा सभी मैटर इसके अंदर चला जाएगा। तो इसको हम एक्टिव कर देते हैं। इसके बाद आने वाला कमांड फॉन्ट है। इस कमांड के द्वारा हम अपने मैटर के फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल तथा फॉन्ट साइज को सेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे कई सारे फॉन्ट हैं, हम यहाँ पे चूज कर लेंगे। उसके बाद हम फॉन्ट साइज को चूज करेंगे, फॉन्ट स्टाइल को यहाँ पे इसको ओके कर देंगे, हमारा जो भी फॉन्ट रहेगा वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आने वाला जो हमारा मेन्यू है वो है व्यू मेन्यू। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस वी। इसको हम समझते हैं। इसमें सबसे पहला आता है जूम, जो कि हम अपने पेज को जूम करते हैं। दूसरा आता है हमारा स्टेटस बार। इसके बाद आने वाला है हेल्प, इसका शॉर्टकट होता है अल्ट प्लस एच। इस मेन्यू के द्वारा हम नोटपैड प्रोग्राम के बारे में हेल्प प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। आपके एक कमेंट करने से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।